यहाँ पे बन रहा है बोरी का बिन्नू है, रेता ढोने के लिए बिन्नू बनाना है, सिर पे रखना है इसको, है ना। अच्छा, बड़े स्टाइल से बनाया बिन्नू भाई, स्टाइल से ही तो बनेगा ना। अच्छा, तभी अच्छा लगेगा फिर तो। बोझ उठाने को बढ़िया रहेगा फिर। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 10 बज गए हैं, तो हमारे मिस्त्री आ गए हैं, और आज मिस्त्रियों के साथ साथ में दो लेडीज मिस्त्री भी आई हैं साथ साथ में काम करने को। और हरदीप चला गया है सुबह सुबह सामान लाने को, क्योंकि मैंने कल आपको वीडियो में बोला था कि हमारे यहाँ पे ईंटें ख़त्म हो गई है, तो हरदीप गाड़ी लेके गया है और ईंटें लेकर के आएगा वो, और साथ में थोड़ा सा लोहा भी लाना है, जो कि हमने ना यहाँ पे जाले वगैरह बनवाने हैं, तो उसके लिए लोहा भी चाहिए था थोड़ा सा। तो अभी चलिए दिखाते हैं आज मिस्त्री जी क्या क्या काम करने वाले हैं हमारे। तो यहाँ पे मिस्त्रियों का काम हो गया है शुरू, और मिस्त्री हमारे यहाँ पे ना रेता भरने लगे हैं, और ये रेता इन्होंने ना कल छान करके रखा हुआ है। तो ये जो मिस्त्रियों के साथ लेट जी आई है ना, तो ये ढोएंगी रेता। ये देखिए भाई, रेता ढोना शुरू कर दिया इन्होंने। और ये भारती है, भारती लेके चली गई है तसला, और यहाँ पे आ रही है शांति। तो शांति और भारती ढोएगी रेता, और ये मिस्त्री इनसे रेता भरवाएंगे। और ये रेता ऊपर छत पे ले जाएंगे ना। हाँ जी, झाड़ू देना। हाँ झाड़ू। हाँ। अच्छा, मैं देती हूँ, नीचे थी आंगन में वो झाड़ू। ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं लाती हूँ झाड़ू। अच्छा अच्छा, अंदर कमरे में रख रहे हो इसको, है ना। अच्छा ठीक है, पहुंची पाइप की नहीं पहुंची। अच्छा ठीक है। और आज हमारे रसोई के कमरे का प्लास्टर शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे मिस्त्री ना दीवारों को गीला कर रहे हैं पहले पानी से, और भारती और शांति नीचे से ना रेता ढोकर के यहाँ पे रख रही है। तो यहाँ पे रखा हुआ है रेता, ये देखिए इकट्ठा करके यहाँ पे मसाला मिक्स करेंगे। तो आज से शुरू हो गया है हमारे रसोई का काम, और अब जल्दी बन जाएगी हमारी रसोई। तो मिस्त्री लोग तो लग गए हैं ऊपर अपने काम पे, और अब मुझे ना खाना बनाना है। तो आज मुझे खाना 6 लोगों का बनाना है, 4 हमारे मिस्त्री हैं और 2 हम भी हैं। तो हरदीप तो अभी सामान लेने गया है, तो जब वो आएगा तो खाना तो फिर वो भी खाएगा। तो चलती हूँ जल्दी से, खाना भी बनाऊंगी साथ साथ में। तो यहाँ पे हमारी सामान की गाड़ी आ गई है, तो ईंटे और लोहा लाया है थोड़ा सा ना, तो ईंटे उतारनी पड़ रही है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा खाना भी बन गया है, चूल्हे पे मेरी कढ़ी उबल रही है, और कढ़ी चावल बनाए मैंने, चावल गैस पे बना दिए और कढ़ी चूल्हे पे बनाए। तो अब मैं कढ़ाई को नीचे उतार लूँगी, और खाना हमारा तैयार हो ही गया है लगभग। तो अभी 12:20 हो गए हैं, और रसोई से तो मैं फ्री हो गई हूँ, पर खाना तो अभी मिस्त्री ना 1 बजे खाएंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं, छत पे देखते हैं कितना प्लास्टर किया मिस्त्रियों ने, और वहाँ पे हमारे पशु अभी बैठे हैं, तो अभी इनको भी पानी पिलाना है, पर बाद में इनको पानी पिलाऊंगी मैं। और आज धूप भी नहीं है ज़्यादा, तो इनको अभी प्यास नहीं लगी होगी। और हरदीप फिर से चला गया है सामान लाने को, क्योंकि जो सामान की गाड़ी आई थी ना, तो उसमें जो सामान लाया था, तो वो पूरा सामान ऊपर नहीं आया एक ही बार में, तो फिर नीचे ना हमें थोड़ा सा सामान उतारना पड़ता है। 200 ईंटें उतारी है नीचे मेन रोड पे, तो फिर दूसरी बार गई है गाड़ी सामान लाने को। आ गई मैं बेटे ऊपर, खाना बना के आ गई मैं। रेता कैसे मंगवाया, देखो कलर का। हाँ देखो अंदर, दूसरा रेता मंगवाना पड़ेगा। दूसरा रेता? हाँ जी। हाँ, ये कैसा है ये रेता ना? कल तो आप बोल रहे थे कि अच्छा है। नहीं, नहीं, रेता अच्छा है, लेकिन इसमें जितना पानी डाल है ना, देखो 6 का मसाला बनता है, ठीक है, ये ऐसे लड्डू जैसा हो जा रहा है, बिल्कुल हो नहीं रहा। देखो इतने गंदी, तो दोनों में आदमी ऐसी पहचान है नहीं रहते कि कुछ भी नहीं। ये ना बद्दरपुर रहता है, लेकिन छानने नहीं जैसा लग रहा है। देखो मैंने बोला था ना आपको कि दीवार चमकेगा, देखो चमक रहा है, नहीं चलो भाई चमक रहा, देखो ना आप ही देखो ना। अच्छा चलो मैं देखती हूँ, तो क्या करना है इसको, देखो इसमें तो बड़ी टेब लगना, हमने जल्दी आपका भी काम नहीं होगा, जल्दी हो रहा है ये। वो जो रूसा है ना गुरमाला हमारा, जो हम लोग 6 का बनाते हैं, 7, 8, 1, 9, 1 का भी बनाया ना, 9 तसला रेत डाल रहे हैं, 1 तसला सीमेंट, तब भी वैसे की वैसी हाल है।
अभी 2 बज गए हैं और अब मिस्त्रियों को मैं खाना लगाऊंगी, और मिस्त्री ना काम कर रहे हैं तो अभी लेट हो गए खाना खाने को। तो अभी शाम के 4:45 बज रहे हैं और आज मौसम ना थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो गया है, हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लग गई थी, तो अगर होती है बारिश तब तो अच्छा है। और आज हमारे मिस्त्रियों ने कितना काम किया तो वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। और मिस्त्री हमारे ना छुट्टी करके चले गए हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं रसोई में। और आज हमारे मिस्त्रियों ने ना ए वाली दीवार प्लस्तर की हुई है, तो ये देखिए ये हमारी चिमनी की दीवार है पीछे वाली, ये देखिए, और वहाँ पे रही पीछे हमारी चिमनी। और हमारे मिस्त्री ना आज पता क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये जो हम प्लस्तर कर रहे हैं ना, तो इसका जो रेता है ये रेता अच्छा भी है। तो मिस्त्रियों ने बोला कि इस रेते की वजह से ना हमारा जो काम है मतलब वो ढीला पड़ गया, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम ना आज ना ये वाली दीवार जो कि इसके साथ में यहाँ पे दूसरी दीवार और पीछे को मतलब तीसरी दीवार मतलब 3 दीवारें कर देनी थी आज हमने, ऐसे बोला उन्होंने। तो रेत ठीक नहीं ऐसे बोल रहे हैं, अब हमें तो उतनी पहचान नहीं है, तो हमें देखने को तो अच्छा लग रहा है, पर मिस्त्री बोल रहे हैं कि ये ना यहाँ पे मतलब इससे प्लस्तर नहीं हुआ जा रहा है, जैसे हम इसको बोल रहे हैं कि रेसो डाल रहे हैं ना सीमेंट की, तो कम रेसो डाल के भी देख ली, ज़्यादा रेसो डाल के भी देख ली, और रेता भी ना छाने लगा करके भी देख लिया और छान के भी लगा के देख लिया, तो मतलब ये चिपकिन रहा है दीवारों पे, नहीं तो इसका ऐसे ढीला बन रहा है, जल्दी सेट हो रहा है, और इसकी ना घसाई नहीं हो रही है, अगर माला नहीं इसके ऊपर चल रहा है तो तब फिर यहाँ पे इतना ही काम हुआ, ये वाली दीवार हुई आज हमारी, ज़्यादा काम नहीं हुआ। बाकी थोड़ी सी बरामदे में उन्होंने ईंटों की चिनाई की, थोड़ी सी रह गई थी कल से, तो उसको लगाया उन्होंने, और फिर वो चले गए, तो हमें ना और रेता मंगवाना पड़ेगा प्लस्तर के लिए। और बाहर ना बारिश गिर गई, मैं अंदर बोल रही थी अभी की बारिश की हल्की हल्की बूंदे गिरने लगी थी, लेकिन अभी ना बारिश मेरा ख्याल काफ़ी लग जाएगी, तो मुझे अब जल्दी से ना सामान उठाना है, बाहर काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है उठाने को, तो जल्दी से पहले उसको उठा देती हूँ, नहीं तो सारा सामान गीला हो जाएगा बाहर। और वहाँ पे हरदीप ना ये रेता ढकने लग गया है, वहाँ पे तिरपाल रखा हुआ है, तो ये रेता ना छान करके रखा हुआ था कल का, और ये रेता हमारा लग तो जाएगा, पर मिस्त्री बोल रहे हैं कि ये नीचे प्लस्तर में लगेगा, ये ऊपर दीवारों पर नहीं लग रहा है, तो तभी इसको छान करके भी रख लिया है, तो अभी इसको ढकने भी पड़ रहा है, अब तिरपाल की भी कमी हो रही है यहाँ पे, तो 2 तिरपाल थे ऐसे है, तो पर दोनों ही वहाँ पे रख लिए हैं। तो बारिश को गिरते देखा हमने, तो जल्दी जल्दी से सामान उठाया, और अभी बारिश भी एकदम से खत्म हो गई, वैसे थोड़ी थोड़ी लगी थी गिरने है, तो ऐसे लगा कि अभी ना जोर की बारिश गिर जाएगी, और अभी मैं तो पशुओं को अंदर बांधने के लिए जा रही थी, वहाँ पे हमारे पशु बंधे हैं बाहर, तो अभी बारिश खत्म हो गई ना, तो मैंने बोला कि इनको थोड़ी देर बाहर ही घास खाने देती हूँ, और तब तक मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी, और बर्तन भी काफ़ी होते हैं धोने को, अब तो मिस्त्री जो लगे हैं तो 4 मिस्त्री थे आज तो, और जब ऐसे कोई घर में काम लगा हुआ होता है ना तो काम तो काफ़ी होता है, ज़्यादातर खाना बनाने का और बर्तनों का बढ़ जाता है, और घर में तो चारों तरफ ऐसे खलारा पड़ा हुआ है ना अभी, अब जब घर पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा ना तो इसको तो तभी समेटेंगे अच्छे से, क्योंकि अभी और भी यहाँ पे काम तो होना ही है, अब इसको रोज़ रोज़ उठाने लगेंगे ना, तो तब तो ऐसे ही थकने का ही काम होगा रोज़ रोज़, तो तब फिर मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे जो आंगन में पड़ा हुआ है सामान ना, तो अभी बीच में चिनाई भी होगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो एंगल लगेगा जाले वगैरह, उसके बाद फिर अच्छे से सारा कंप्लीट करेंगे और साफ़ सफाई भी करेंगे तभी आराम से फिर। और अभी हमें ना लोहा भी है उठाने को, तो वो लोहा जो लाया है ना आज हरदीप ने, उसको रखा है पीछे सड़क में उतार करके गाड़ी से, और थोड़ा सा यहाँ पे रख लिया है, तो इसको ना यहाँ पे मिस्त्रियों ने रख लिया था, मैंने बोला उनको कि आप थोड़ा सा ले आओ, और मैंने सोचा कि थोड़ा ही होगा, ये 2 बंडल थे, मैंने बोला कि एक ही होगा, तो मैंने वो भी उठवा लेना था उनसे, पर मैंने बाद में देखा, मैंने बोला कि ये एक होगा तो आप इसको ले आओ, बाकी जो खुला होगा मैंने बोला था कि उसको हम ले आएंगे, पर अभी वो तो बहुत है, तो वो मुझे और हरदीप को हिलाना होगा, तो देखते हैं अभी लाएंगे कि सुबह लाएंगे उसको। अपना ये 2 बंडल सारा लिया अंदर से है, तो थोड़ा काम बड़ी बस, तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और हरदीप यहाँ पे ना ये जो लोहा लाया है सुबह का इसको उठाने लगा है ये, और 1 बंडल ले आया ये पीछे सड़क से ऐसे घसीट करके ले आया है, तो मैंने तो बोला था कि थोड़ा थोड़ा लाना था, वैसे मैं तो नहीं इतना उठा पाती, पर अगर थोड़ा होता तो मैंने भी उठा लेना था, पर ये नपरे से ऐसे घसीटते हुए ले आया है इसको, मैं तो अभी अंदर काम कर रही थी, अभी बाहर मैंने आवाज़ सुनी तब देखा मैंने बाहर की हरदीप क्या कर रहा है, तो अभी हरदीप को ना ये जो घर का काम है ना ये कराना है, क्योंकि ये अभी इसकी जिम्मेवारी है भाई। अभी थोड़ा सा ही बचा है अभी सड़क में लाने को, 2 बंडल थी ये ना, बाकी थोड़ा सा खुला है लाने को, और एक पाइप यहाँ पे पीछे रखी है, इसको तो मैं ले आई हूँ, ऐसे अकेले पाइप तो मैं भी उठा करके ले आऊँगी, लेकिन इस तरह से जो ये भारी है ना इसको नहीं मैं ला पाऊँगी। और यहाँ पे डॉगी महाराज भी आ गया है सर्वे करने को, हरदीप बोल रहा है इसको ना कि लोहा उठाने के लिए आ जा, तब ये पीछे आ गया है, लंगूर आए थे, अच्छा लंगूरों को भगाया इसने, बच्चे ने भगाया लंगूरों को, थक गया तू है, थक गया बच्चों, थक गया बच्चों हमारा, थक गया, अच्छा भगाया लंगूर भगाया, अच्छा बच हो गया बच। और ये ना लंगूरों को भगा करके आया है, तो थक गया है ये, और ये शिकायत कर रहा होगा यहाँ पे मुझसे आकर के कि मैंने ना बहुत काम किया है, ऐसे बोल रहा है ये, क्योंकि लंगूर आए थे खेतों में ना, तो मुझे इसकी ना भौंकने की आवाज़ आ रही थी,
तो मुझे पता चल गया था कि लंगूर आए हैं और ये ना उनको पकाने के लिए आ गया था बेचारा। और ये आ जाता है अगर इसको ना ऐसे लंगूरों का पता चलता है तो ये आ जाता है उनको पकाने के लिए। अभी इसको ना खाना खाना होगा। अभी हरदीप के पास जाएगा, हरदीप को पूछेगा ये कि तू थका तो नहीं है, है ना। हरदीप की हेल्प करेगा अभी ये थोड़ी सी। और ये कुत्ता हमारा नहीं है, ये ऐसे ही आ जाता है हमारे घर में। और दो कुत्ते हैं ये गांव के हैं हमारे, तो ये दोनों आते हैं हमारे घर में कभी कभार हमारे मेहमान, और रोटी खा के चले जाते हैं यहाँ से बेचारे। और ये इस तरह से रहता है हमारे साथ यहाँ पे, ऐसे लगता है कि हमारा ही पाला हुआ है ये। इसको हम ना कहीं भी दिख जाते हैं मैं और हरदीप ना, तो दौड़ के भाग करके आ जाता है हमारे पास। इतने समझकार होते हैं ये जानवर, हम इनको रोटी देते हैं थोड़ी सी ना, तो उस रोटी के बदले में ये इतना एहसान रखते हैं, मतलब इंसान भूल जाता है इंसान को, तो आप कितना भी खिला लो ये जानवर कभी नहीं भूलते हैं। कभी कभार ही खिलाते हैं हम इनको रोटी, तो उसकी भी इतनी याद रखते हैं कि इन्होंने हमें रोटी खिलाई है। और इनका तो मन ना कभी कभी यही रहने का होता है कि हम यहीं पे रह जाएं, पर हम इनको भेज देते हैं कि आप चले जाओ अपने घर, क्योंकि हमारे यहाँ पे जंगल है नज़दीक में, तो फिर यहाँ पे ना तेंदुओं का भी डर रहता है। और घर हमारा खुला ही था अभी तक, तो अभी हो रहा है बंद हमारा घर, तो तेंदुआ तो हमारे यहाँ से उठा करके ले जाएगा इनको, तो फिर हम इनको भेज देते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से। और वफादारी क्या होती है ना, वो इंसानों को ना इन जानवरों से सीखनी होगी, क्योंकि वफादारी ये अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से निभाते हैं ये वफादारी। और अभी जब से हमारे ना घर का काम लगा है, कल से ही लगा है ये, तो अभी हमारा बहुत काम बढ़ गया है। तो वीडियो बनाने की कोशिश तो हम करते हैं कि हम आप लोगों के साथ भी थोड़ा थोड़ा सा शेयर करेंगे कि क्या क्या काम हम कर रहे हैं, पर बहुत कम टाइम लग रहा है अभी, काम जो बढ़ गया है हमारा। एक तो साथ में पशुओं का भी होता है घास वगैरह लाने को, वो तो हरदीप ही लाता है ना, फिर मैं तो ऐसे घर में छोटा मोटा करती रहती हूँ। तो अभी देखिए हमारा घर ना कैसा लग रहा है, आप लोग भी बताना हमें कमेंट करके। तो अभी हमारे बेल्डिंग वाले मिस्त्री आएंगे ना, तो यहाँ पे जाले बनाएंगे, वो उनको फिट करेंगे, तो तब हमारा घर जो है ना पूरी तरह से सुंदर भी लगेगा और बंद भी हो जाएगा, तो सेफ हो जाएंगे हम भी और हमारा घर भी। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा, अभी एक हफ्ता लगेगा शायद, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा, या 8-10 दिन रख लो इतना ही लगेगा, और उतने में हमारा घर हो जाएगा कंप्लीट। और ये घर के काम ना खत्म ही नहीं होते हैं, हमें तो पता नहीं कितना टाइम हो गया ये घर के काम करवाते करवाते, तो अभी भी हमारा घर कम्प्लीट नहीं हो रहा है हमसे। तो बहुत इच्छा है हमारी भी कि जल्दी से हमारा घर कम्प्लीट हो जाए, और हमारी क्या सभी की इच्छा रहती है कि हमारा घर अच्छे से तैयार हो जाए। हर आदमी यही चाहता है कि अच्छा सा घर बन जाए हमारा भी, तो अभी हमारा भी बन तो रहा है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा अब। और अभी ना दिन भी काफी बढ़ गए हैं, तो चलो अच्छा है। जो अभी दिन बड़े हुए हैं तो क्या होता है आजकल ना कि काम ज्यादा हो जाता है, तो अभी हमारे तो घर का ही हो रहा है ज्यादातर, बाकी तो हमें कुछ नहीं है, पर यही है हमारा कि ये घर का हो जाए जल्दी जल्दी से ना। तो यहाँ पे बहुत ही बिजी हैं मैं और हरदीप, दोनों ही बिजी हो गए हैं यहाँ पे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूंगी यहाँ पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।